अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी ने देर रात पीड़िता के घर में घुसकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता की आंख की रोशनी जाने का भी खतरा बना हुआ है। पीड़िता को अलवर से जयपुर रेफर कर दिया गया है। इस मामले में नौगावा थाना पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। दुष्कर्म मामले में पीड़िता का परिवार जब थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचा, जहां पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसके बाद पीड़िता के परिवार ने न्यायालय की शरण लेते हुए न्यायालय से इस्तगासे के जरिए दुष्कर्म की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बावजूद भी आरोपी को आज तक नहीं पकड़ा, जिससे आरोपी के हौसले बढ़ते चले गए। आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी देता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़िता व उसकी बहन की शादी 26 नवंबर की है। आरोपी ने रात करीब 12 बजे घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी बीती रात को अपने दोस्तों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा, जहां पर रात को परिवारजन सो रहे थे। तभी आरोपी ने पीड़िता की आंख पर चाकू से हमला कर मौके से फरार हो गया, जिसमें पीड़िता की आंख की रोशनी लगभग चली गई, जिसको गंभीर स्थिति के चलते राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ से पीड़िता को डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। पीड़िता व उसकी छोटी बहन की शादी इसी सप्ताह नवंबर में होने वाली है। पीड़िता की मां ने बताया कि पलवल से उसकी बेटी के साथ बस में बैठकर वह अपने गांव लौट रही थी, तभी बस में हरियाणा का रहने वाला हरिओम सोनी उसकी बेटी से मोबाइल नंबर लेकर बात करने लगा। रात दिन मोबाइल पर आए दिन परेशान भी करता रहा। बाद में आरोपी हरिओम घर तक भी आने लग गया और उसने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस बात को बेटी ने बताया और नौगावा थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद कोर्ट इस्तगासे के जरिए थाने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया, लेकिन दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए गए।